वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो हम डिस्ट्री का करंट अफेयर्स कंटिन्यू करेंगे। आज देखेंगे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। तो फर्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसको किसने लॉन्च किया? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया। एंड इसमें जो है इंडिया की रैंक है 126, बॉटम में अफगानिस्तान और टॉप किया है फिनलैंड ने। ओके, तो इसे लॉन्च करने वाला है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया की रैंक इसमें 126 है और बॉटम में है अफगानिस्तान और टॉप पे है फिनलैंड। इसमें 6 वेरिएबल्स काउंट किए जाते हैं, जो कि है GDP, पर कैपिटा, देन सोशल सपोर्ट एंड देन हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जिनरोसिटी एंड करप्शन। ये 6 वेरिएबल्स हैं जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कंसिडर किए जाते हैं। फर्स्ट टाइम ये लाया गया था 2012 में और इसको चेयर किया था जिसने प्रेजेंट किया था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, उनका थे प्राइम मिनिस्टर जिग्मी वाई थिनले एंड जेफरे डी सैक। तो ये याद रखिएगा फर्स्ट टाइम किसने इसको प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट है टॉप 3 कंट्रीज देख लेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस के। पहले पे फिनलैंड है, सेकेंड है डेनमार्क एंड देन आइसलैंड। बॉटम में है अफगानिस्तान, लेबनन एंड सीरिया लियोन, ठीक है। और इंडिया का तो रैंक देख ही लिया 126। और इंडिया से अबव साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज है? चाइना 64 पे, नेपाल 78, पाकिस्तान 108 और बांग्लादेश 118, देन श्रीलंका 112। मीन्स ये सारे कंट्रीज जो है इनकी रैंक इंडिया से बेटर है। इवन यूक्रेन की रैंक जो है वो इम्प्रूव हुई है, फ्रॉम 1998 से 92 रैंक पे आ गया है, डिस्पाइट रशियन इन्वेजन के यूक्रेन की रैंक जो है इम्प्रूव हुई है। नेक्स्ट आते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022। रिलीज कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्लिन, जर्मनी। इसमें टोटल 180 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करते हैं। टॉप परफॉर्मर है डेनमार्क, आफ्टर दैट फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। टॉप 3 डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। इंडिया की रैंक जो है वो है 85th एंड स्कोर है इंडिया का 40 स्कोर है एंड रैंक है इंडिया की 85th, ठीक है। बॉटम परफॉर्मेंस में देखेंगे तो सोमालिया है, साउथ सूडान है एंड सीरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बता ही दिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्लिन, जर्मनी। लॉन्च हुआ था 1993 में, फाउंड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। कौन रिलीज करता है? द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको रिलीज करता है। मोस्ट अफेक्टेड कंट्री जो है टेररिज्म से कौन है? अफगानिस्तान, ठीक है। एंड जबकि ये देखा गया है टेररिज्म से अफगानिस्तान में जो है टेररिज्म से लोगों की डेथ जो है कम हो रही है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री अफगानिस्तान में। दो अफगानिस्तान में टेररिज्म से डेथ कम हो रही है लेकिन वर्ल्ड वाइड जो है डेथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन अफगानिस्तान में डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे देखते हैं जो सहेल रीजन है, अब ये सहेल रीजन कहाँ है? ये आपका है अफ्रीका में। ओके, सहेल रीजन आपका अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि 43% जो है डेथ जो है वो ग्लोबल टेररिज्म की वजह से यहाँ पे हो रहे हैं सहेल रीजन में। और इस्लामिक स्टेट एंड इट्स एफिलिएट रिमेन द वर्ल्ड डेडलीएस्ट टेररिस्ट ग्रुप। ये भी याद रखिएगा कि वर्ल्ड टेररिस्ट ग्रुप कौन है? इस्लामिक स्टेट। अब इंडिया की रैंक देख लेंगे तो इंडिया की रैंक है इसमें टेररिज्म में 13th रैंक, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 13th और टॉप पे है अफगानिस्तान जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट
सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स, इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है लॉयड, रजिस्टर फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये इसका सेकेंड एडिशन है। और जो कंट्री सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स में, वो है माली। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे लीस्ट रिस्क इम्पैक्टेड कंट्रीज कौन कौन सी है। उज्बेकिस्तान सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स में, ठीक है, लीस्ट में है उज्बेकिस्तान, एंड देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे एंड इस्टोनिया। और मोस्ट रिस्क वाली कंट्रीज कौन सी है? माली, सीरिया लियोन, गीनिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड मोजाम्बिक। अब हम क्या करेंगे, हम इन सभी के कैपिटल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो मोजाम्बिक का कैपिटल है मैप्टू। ओके, देन उज्बेकिस्तान का सभी को पता है ताशकंद, नॉर्वे का ओस्लो, इस्टोनिया का टलिन, माली का बमाको, सीरिया लियोन का फ्री टाउन, गीनिया का कोनेक्री, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का ब्रजाविले, ठीक है। तो ये आप इस तरह से हम कैपिटल्स भी कवर करते चलेंगे, अगर एग्जाम्स में इसी में से पूछते हैं कैपिटल्स तो आपको वो रिमाइंड रहे। एंड इंडिया की पोजीशन है इसमें सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स में, इंडिया की पोजीशन है 97, चाइना का है 9th एंड पाकिस्तान है 29th पे, और इंडिया का 97। अब सिप्री की रिपोर्ट देख लेंगे। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर है। सेकेंड पे कौन है? सेकेंड पे आपका है चाइना, ठीक है। इंडिया जो है 11% अपना इम्पोर्ट करता है ग्लोबल इम्पोर्ट। और ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट, स्वीडन बेस्ड सिप्री है, ये इसको रिपोर्ट को रिलीज करता है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट। फाइव लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कौन कौन से हैं? तो पहला है यूनाइटेड स्टेट, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी। तो फाइव लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी। फाइव लार्जेस्ट इंपोर्टर है कौन? इंडिया एंड देन सेकेंड सऊदी अरेबिया, फिर कतर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना फिफ्थ नंबर पे है इंपोर्टर में, और एक्सपोर्टर में फोर्थ नंबर पे है, ठीक है। और इंपोर्टर में इंडिया जो है टॉप पे है, इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। तो याद रखिएगा, रशिया जो है इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर रहा है आर्म्स का बिटवीन 2013 से लेके 2018-22। तो इंडिया का सप्लायर, टॉप सप्लायर कौन है? रशिया। फिर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो इसे रिलीज कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके, इंडिया किस में रैंक है? 42nd। ओके, 42वां रैंक है इंडिया का, और इसे रिलीज करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और मोरक्को, थाईलैंड और वियतनाम में इस देखा गया है कि इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स जो है इम्प्रूव हुआ है, रशिया का स्कोर जो है ड्रॉप हो गया है, ठीक, याद रखिएगा, रशिया का स्कोर जो है इसमें ड्रॉप हुआ है, और टॉप पे यूएस ही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। टॉप पे हमारा, टॉप पे कौन है आईपी इंडेक्स में? यूएस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22। इसे सबसे पहले, इस रिपोर्ट को लाया कौन था? तो महबूब उल हक एंड अमृत्य सेन। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कौन लेकर आया था सबसे पहले। नेक्स्ट देखते हैं, ये रिलीज कौन करता है? ये रिलीज करता है यूनाइटेड, यूएनडीपी। ओके, और फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था, पब्लिश हुआ था 1990 में। नेक्स्ट है, इंडिया किस में रैंक जो है वो 132 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इंडिया की रैंक 132 है। टॉप में देख लेते हैं, टॉप पे है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया की रैंक 132 है। अब इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है एट बर्थ? 67.2।
तो ये याद रखिएगा कि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है एट बर्थ, जो वो है 67.2। फिर देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ओके चलिए, फिर इसमें चार डायमेंशंस लेते हैं। पहले देख लेते हैं रिलीज कौन करता है। तो ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें चार डायमेंशंस होते हैं, कौन कौन से? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था 2006 में, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। टॉप कंट्रीज देख ले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, तो टॉप पे है आइसलैंड एंड देन फिनलैंड एंड आफ्टर दैट नॉर्वे। इंडिया का तो बता ही दिया, 135th। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो है स्कोर साउथ एशिया में सबसे लोवेस्ट स्कोर है इंडिया से। बाकी जो भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसमें सभी इंडिया से बेटर परफॉर्म किए हैं, दैट इज बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स एंड भूटान। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये स्टैब्लिश हुआ था 1971 में, हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, किसने इसको फाउंड किया था? क्लॉस स्वाब। नेक्स्ट है 16th ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। तो इसे रिलीज करने वाला इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। रिलीज कौन करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, नाम में ही पीस है और यही रिलीज भी करते हैं। लीस्ट पीसफुल वर्ल्ड में लीस्ट पीसफुल रीजन देखें तो वो है आपका मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका। मीना से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका वर्ल्ड का लीस्ट पीसफुल रीजन है। यूरोप जो है मोस्ट पीसफुल रीजन है वर्ल्ड का, ये याद रखिएगा। एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि वर्ल्ड का सबसे पीसफुल रीजन कौन है, तो ये है यूरोप। एंड आइसलैंड, अगर कंट्री वाइज देखें तो आइसलैंड जो है वो सबसे पीसफुल रीजन है, अफगानिस्तान सबसे लीस्ट पीसफुल है। इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 135। तो ग्लोबल जेंडर में भी इंडिया की, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भी इंडिया की रैंक 135 है एंड ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी इंडिया की रैंक जो है वो है 135। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, याद रखिएगा। जब जेंडर ही नहीं इक्वल है तो पीस कहाँ से होगा, है ना। चलिए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसे कौन रिलीज करता है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स इसको रिलीज करता है पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट। ओके, इंडिया की रैंक इसमें 61 है। इंडिया ने अपनी रैंक इम्प्रूव की है, तो पहले इंडिया की रैंक 67 थी, अभी 2022 रैंक में इंडिया की हो गई है 61। ठीक है, इनिशियली इसको लॉन्च करता था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, लेकिन अभी कौन लॉन्च करता है? रिलीज करता है पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट। इसमें चार डायमेंशंस देख लेते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। तो चार डायमेंशंस है, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। टॉप पे हमारा है USA, सेकेंड पे है सिंगापुर एंड थर्ड पे है स्वीडन। अगर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में देखें तो इंडिया की रैंक वैसे कितनी है? थर्ड। और अगर ओवरऑल देखते हैं तो इंडिया की रैंक है 61st। ठीक है, 61st है ओवरऑल, और अगर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में देखें तो इंडिया की रैंक है थर्ड नंबर पे। इंडिया की फर्स्ट रैंक है AI टैलेंट कंसंट्रेशन पे। ठीक है, एंड सेकेंड इंडिया की रैंक है किसमें? सेकेंड रैंक पे है मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद इन द कंट्री एंड इंटरनेशनल इंटरनेट ब्रेथ बैंडविड्थ। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक है 54th। ठीक है, और इसकी थीम जो है रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल रिसाइलियंट फ्यूचर, ये इसका थीम है। रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक, ट्रैवल एंड टूरिज्म। और इंडिया की रैंक कितनी है? 54th। टॉप पे कौन है? टॉप पे है जापान, यूनाइटेड स्टेट एंड स्पेन। तो ये याद रखिएगा, टॉप पे
जापान, यूनाइटेड स्टेट एंड स्पेन एंड इंडिया की रैंक 54। ग्लोबल विंड रिपोर्ट, ये लॉन्च करता है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक 4th है ऑल ओवर वर्ल्ड में विंड प्रोडक्शन में, ठीक है, विंड और टॉप पे है। अभी देखो ग्लोबली कितनी कैपेसिटी बढ़ गई है इसकी, 837 गीगावाट हो गई है, तो ये याद रखिएगा। टॉप पे है चाइना, उसके बाद है यूएस और इंडिया की रैंक है 4th। नेक्स्ट आते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसको रिलीज कौन करता है, वी डैम इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो स्वीडन का ही है, स्वीडन यूनिवर्सिटी का, वो इसको रिलीज करता है। इसमें इंडिया की रैंक है 108, वाइल पहले इसकी रैंक थी, और नहीं पहले देखिए इंडिया की इसमें रैंक जो है 108 हो गई है इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, ठीक है, जो कि यही रिलीज करता है वी डैम इंस्टीट्यूट। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 108 एंड लिबरल डेमोक्रेसी में इंडिया की रैंक है 97। लिबरल डेमोक्रेसी में 97 एंड इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108। टॉप किसने किया है, डेनमार्क ने, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप किया है डेनमार्क ने। अब आते हैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इसको रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ही रिलीज करता है। वर्ल्ड जस्टिस उसका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स नाम, इंडेक्स का नाम है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इसमें इंडिया की रैंक है 77। फाइन, और टॉप पे है डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, और सबसे ज्यादा डिक्लाइन कहाँ पे हुआ है, सूडान, म्यांमार, हयाती, अफगानिस्तान, निकारागुआ, ओके, एंड सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ देखा गया है, होंडुरस, कोसोवो, ब्लीज, मोल्डोवा एंड यूनाइटेड स्टेट में। ग्लोबल, अब इंडिया की रैंक और टॉप पे कौन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की रैंक 77 है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में एंड टॉप पे है हमारा डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, इसको रिलीज करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। फाइन, इसमें जो ऑस्ट्रिया सिटी वियना का है, सॉरी जो ऑस्ट्रिया की सिटी है वियना, उसको इसमें फर्स्ट पोजीशन मिला है और लास्ट पोजीशन मिला है डमास्कस को, जो कि सीरिया का कैपिटल है। और अगर इंडिया का देखें तो कौन से है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स में, इंडिया का न्यू दिल्ली जो 112 पे है और मुंबई जो है आपका वो 117 पे है। टॉप वाला याद रखिए वियना, और टॉप 200 में दिल्ली है और मुंबई है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसे रिलीज करता है टाइम्स हायर एजुकेशन, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इस पर देख इसको जो है जापान जो है वो मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड नेशन है, ठीक है, विद मतलब जापान की जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो भी कल्चर्स होते हैं डिफरेंट उनको रिप्रेजेंट सबसे ज़्यादा करती है, ठीक है। और चाइना जो है, चाइना इन होम टू द कॉन्टिनेंट्स टॉप टू, मतलब चाइना के दो ऐसी यूनिवर्सिटी है जो टॉप टू में है लगातार 3 साल से, और इस बार जो है फर्स्ट टाइम पैलेस्टीनियन की यूनिवर्सिटी को भी जगह इसमें मिली है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो टाइम्स जो कि ये एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार किसको प्लेस मिला है, किसको काउंट किया गया है, तो पैलेस्टीनियन यूनिवर्सिटी को भी काउंट किया गया। तो टॉप टू यूनिवर्सिटी है चाइना की सिंगुआ यूनिवर्सिटी, पैकिंग यूनिवर्सिटी, एंड थर्ड नंबर पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और इंडिया का कौन सा है, इंडिया इसमें अगर मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री में देखें तो इंडिया का नाम थर्ड पे है, फर्स्ट पे है मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड कंट्री में जापान, देन सेकेंड पे चाइना एंड देन थर्ड पे इंडिया, ठीक है। और इसका अगर टॉप 50 में देखें तो बस एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है, ये जो है टॉप में है टॉप 50 में। और अगर टॉप 200 में देखें तो 17 इंस्टीट्यूट है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें ये रैंकिंग ये गलत दी हुई है, ये होगा 85th इंडिया की रैंकिंग, ठीक है, 85th। फाइन, चलो इसको रिलीज कौन करता है, हेनले पार्टनर्स, ओके, इसमें जापान जो है टॉप पे है जो हमेशा रहते हैं, सेकेंड पे है सिंगापुर,
एंड साउथ कोरिया. फर्स्ट पे जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया. इंडिया की रैंक है 85th एंड नॉट 87. लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 87 थी. फिर नेक्स्ट आता है आपका एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स. इसको रिलीज करता है नाइट फ्रैंक. टाइटल है रेजिंग कैपिटल इन अनसर्टन टाइम्स, एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक पर्सपेक्टिव. तो इसमें जो है टॉप रैंक किसकी है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में, टॉप पे है सिंगापुर, देन सिडनी, देन वेलिंगटन. और सिटी में देखें तो बेंगलुरु 14th नंबर पे है. सिटीज़ में ही देख रहे हैं तो टॉप सिटीज़ में है सिंगापुर, सिडनी एंड वेलिंगटन. एंड वेलिंगटन किसका कैपिटल है, न्यूजीलैंड का, याद रखिएगा ठीक है. एंड इंडिया का देखें तो बेंगलुरु जो है 14th नंबर पे है, 17th पे आपका दिल्ली है, 18th पे हैदराबाद है एंड 20th पे मुंबई है. सबको सिल्वर, सिर्फ बेंगलुरु को जो गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है, बाकी ये तीन को सिल्वर कैटेगरी में रखा गया है. और टॉप थ्री जो है वो प्लैटिनम कैटेगरी में है. तो बेंगलुरु याद रखिएगा एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में, उसको गोल्ड मिला है. वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट ये रिलीज करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स. ओके, ये रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन की तरफ से रिलीज होता है. इसमें बोला गया अभी 12 नवंबर 2022 इंडिया की पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 8 बिलियन हो गई थी. तो ये याद रखिएगा, ये डेट भी याद रखिए कि 15 नवंबर 2022 को जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई थी. और इंडिया ने क्या किया, मतलब इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, यूएनडीपी ने, इनकी रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिया जो है 2023 तक चाइना को पॉपुलेशन में बाईपास कर देगी, सॉरी सरपास कर देगी. ठीक है, मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन हो जाएगा, इंडिया. जो इसको 15 नवंबर 2022 को सेलिब्रेट किया गया था एज अ डे ऑफ 8 बिलियन, क्योंकि उसी दिन 8 बिलियन जो चाइल्ड था वो बॉर्न हुआ था. और 7 बिलियन कब हुआ था, 2011 में. ठीक है, और अभी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कितना हो गया, 2.1 बाई 2020. ये प्रोजेक्ट किया गया है कि डिक्लाइन फर्दर होगा, अभी तो 2.1 है, इससे फर्दर डिक्लाइन होगा 2050 तक. वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये अंटार्ड रिलीज करता है. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसको रिलीज करता है. इसमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड देखें तो सिंगापुर और यूएसए का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट. ठीक है, और नेक्स्ट तो ये बता ही दिया, सिंगापुर एंड यूएसए का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है एफडीआई इक्विटी फ्लोज इन इंडिया. उसके बाद मॉरिशस का है एंड देन नेदरलैंड का है, स्विट्ज़रलैंड. तो फर्स्ट पे है सिंगापुर, यूएसए एंड देन मॉरिशस, नेदरलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड. और सबसे ज़्यादा इंडिया अगर देखा जाए एफडीआई के मामले में कौन सा रैंक है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो 7th रैंक है इंडिया का. ओके, नाउ अब देखेंगे टॉप टू स्टेट कहाँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एफडीआई आती है. टॉप पे है आपका कर्नाटका एंड उसके बाद है आपका महाराष्ट्र. टॉप 5 सेक्टर कौन सा है जिसमें एफडीआई सबसे ज़्यादा फ्लो, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सर्विसेज सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन. ये टॉप 5 सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एफडीआई आती है. कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सर्विसेज सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन. अब इंटरनेशनल इवेंट्स देख लेंगे. फिनलैंड ज्वाइंस नाटो, तो फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया है. नाटो कब बना था आपका, 1949 में. ठीक है, 49 में नाटो आपका बना था. नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल बेल्जियम में. और इसका मिलिट्री हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन बेल्जियम में. सिर्फ हेडक्वार्टर पूछे तो ब्रुसेल बेल्जियम, अगर मिलिट्री हेडक्वार्टर पूछे तो मॉन्स बेल्जियम. 1949 में इसको बनाया गया था. नेक्स्ट आते हैं ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव. तो ये किसका इनिशिएटिव है, यूनाइटेड नेशन और टर्की का. ठीक है, क्यों,
किसके बीच में ये हुआ है? एक तो ये इनिशिएटिव किसका है? यूनाइटेड नेशन और टर्की का। किसके बीच में हुआ है? रशिया एंड यूक्रेन के बीच में। किस लिए हुआ है? टू मतलब कि जो वहाँ पे जो ग्रेन्स, फर्टिलाइजर, फूड स्टफ जो है वो इजिली जो है वहाँ से एक्सपोर्ट हो सके दूसरे कंट्री में। तो ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव उसी चीज का है। इसके लिए जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया था कहां पर? इस्तांबुल में। कब बनाया गया था? 2022 में। तो याद रखिएगा, जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर किसके लिए बनाया गया था? ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के लिए। कहां बना था? इस्तांबुल में। और इसके मेंबर्स कौन कौन थे, रिप्रेजेंटेटिव्स? तो यूक्रेन, रशिया, तुर्की एंड यूनाइटेड नेशन। और ये कौन कौन से पोर्ट में, जो यूक्रेन के कौन कौन से पोर्ट से अलाउड है जो कि ब्लैक सी से टच करता है? ओडिशा, चोर्नो मोर्सिक, यूजनी। ओके, इतने हैं, याद रखिएगा। अच्छा, अब देख लेते हैं कि ब्लैक सी के पास कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो ब्लैक सी के पास अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज है? तो टर्की हो गया आपका, बल्गेरिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया एंड रोमानिया। ओके, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रशिया सस्पेंड स्टार्ट द लास्ट न्यूक्लियर ट्रीटी। तो रशिया ने इस ट्रीटी से अपने आप को बाहर निकाल लिया है। ये ट्रीटी आया कब था? ये आया था आपका 1991 में, ठीक है, और इन्फोर्स हुआ था 1994 में। ट्रीटी का नाम क्या है? अगर फुल फॉर्म देखें तो स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, जिसको स्टार्ट वन भी बोलते हैं। ये किस लिए आया था? कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और जो न्यूक्लियर वॉर्स है उनको रिड्यूस करने के लिए। तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो 6000 तक होने चाहिए और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होते हैं होने चाहिए वो 1600 होने चाहिए। फिर इसी के बाद जो है सॉर्ट करके एक ट्रीटी आया जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, उसको ट्रीटी ऑफ मॉस्को भी कहते हैं। एंड देन उसके बाद आया न्यू स्टार्ट ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी किसके बीच में है? अमेरिका और रशिया के बीच में। और स्टार्ट वन ट्रीटी भी अमेरिका और रशिया के बीच में है। जो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी आया, ये इसका टाइम पीरियड जो था आया है ये 5 फरवरी 2011 में। इसमें जो कहा गया था, इसमें जो इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज न्यूक्लियर वेपन्स है उसको लिमिट करने के लिए बोला गया था। पहले में बोला गया था आपका न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड देन बैलिस्टिक मिसाइल्स को। ओके, और इस वाले में बोला गया जो 2011 में आया उसमें इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज न्यूक्लियर वेपन्स को जो है लिमिट करने के लिए बोला गया। अब एशियन पाम ऑयल अलायंस देखते हैं। इसको लॉन्च हुआ था कहाँ पे? एट ग्लोब ऑयल समिट में। कहाँ पे हुआ था ग्लोब ऑयल समिट? ये आपका हुआ था आगरा, इंडिया में। अब ये ग्लोब ऑयल समिट है क्या? ये इस तरह का मतलब जो कंट्रीज एडिबल्स ऑयल्स और एग्री ट्रेड कॉन्फ्रेंस है टाइप का ये था, ठीक है, वर्ल्ड्स लीडिंग एडिबल ऑयल एंड एग्री ट्रेड कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन एंड अवार्ड्स। तो इसमें कौन कौन सी एसोसिएशन किसका है? तो ये 5 मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग कंट्रीज का ये एसोसिएशन है, एशियन पाम ऑयल अलायंस। तो ये देख लेते कौन कौन सी कंट्री है। तो इसमें आपका ऑब्वियसली साउथ एशिया रीजन के कंट्रीज हैं 5। तो किसके अलायंस है ये? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। तो मालदीव्स इसमें नहीं है, याद रखिएगा। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। फर्स्ट मीट जो है अभी जो सॉरी ये जो हुआ था 2022 वाला ये आगरा में हुआ है। ओके, और जो 2023 वाला होगा वो आपका होगा इंडोनेशिया में। और अगर पूछे आपसे कि टॉप कंट्रीज कौन सी हैं जो पाम ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं, तो आपका हो जाएगा इंडोनेशिया एंड मलेशिया। और इंडिया में कौन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है? सॉरी, ये प्रोडक्शन के मामले में है, ठीक है। इंडोनेशिया और मलेशिया जो है टॉप कंट्रीज हैं जब पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाम ऑयल प्रोडक्शन होता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश एंड गोवा, याद रखिएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड गोवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टॉकहोम प्लस 50, ये अभी कहाँ पे हुआ है? स्टॉकहोम में हुआ है, स्वीडन। अभी इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है।
पहला इसका पहला कहाँ पे हुआ था? 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक, चलिए आगे। इसका जो कब हुआ था, ये 30 मई से 5 जून तक हुआ था, ये इंटरनेशनल क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट वीक। इसको स्टॉकहोम में हुआ था, कोऑर्डिनेट कौन किया था? स्वीडन एंड केन्या मिलके इन्होंने इसको किया था। थीम क्या था? अ हेल्दी प्लैनेट फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। देखिए सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन में इंडिया भी इसका मेंबर है, पहले तो ये याद रखिएगा। ओके इंडिया भी सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन का मेंबर है। हाँ नेक्स्ट देखते हैं, ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस जो है हर 6 साल पे एक बार होती है। पहली बार इसको मनाया गया था इटली में 1926 में, और 15th जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुआ है सियोल में। नाम से ही देख रहा है कि कोरिया में हुआ होगा, ठीक है, साउथ कोरिया में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, और इस कांग्रेस को एज अडॉप्ट किया गया है सियोल डिक्लरेशन, जिसका इंडिया भी पार्ट है। थीम देख लेते हैं, बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रिसेलियंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट, ये इसका थीम है। अब न्यूज़ देख लेते हैं शॉर्ट में। यूके जो है अभी ज्वाइन किया है कांग्रेस, सॉरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को यूके ने ज्वाइन किया। अब देखिए इसका जो है मेंबर 11 मेंबर्स है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। ना ही इसका यूएस मेंबर है, ना रशिया मेंबर है, ना इंडिया इसका मेंबर है, और ना ही चाइना इसका मेंबर है। तो ये याद रखिएगा किसके ये सब मेंबर्स नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में इनका भी नाम दे सकता है। अब इंडिया और मंगोलिया के बीच में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का ज्वाइंट मीटिंग हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है, बस इतना याद रखिए। स्वीडन स्वीडन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कैंपेन, सो स्वीडिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कैंपेन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स इन द कंट्री, अपनी कंट्री में रिड्यूस करने के लिए इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कैंपेन किसने स्टार्ट किया है? स्वीडन ने। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कैंपेन किसने स्टार्ट किया है? स्वीडन ने। फिर 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग, ये आपका 6 से 9 दिसंबर 2017 एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग, जो कि किसने किया है? ऑफ द आईएलओ का, कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर में। एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग कहाँ हुआ है? सिंगापुर में। आईएलओ कब बना था? जो ये जो है मीटिंग जो है ये आईएलओ का ही पार्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। आईएलओ स्टैब्लिश हुआ था 1990 में, हेडक्वार्टर है जिनेवा। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, तो इसको कौन लेकर आया? इसको सॉरी इसको रिलीज कौन करता है? सॉरी एक मिनट, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म वर्ल्ड बैंक जो है कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिलीज करती है। तो ये याद रखिएगा कमोडिटी मार्केट आउटलुक कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक। इसी जो यूक्रेन और रशिया वॉर क्राइसिस चल रहा है उसी के बीच में वर्ल्ड बैंक लेकर आया है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को, स्टार्ट किया गया है। इस कौन लॉन्च किया है? जो वर्ल्ड बैंक का ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उसने इसको स्टार्ट किया है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन्हें हेल्प किया जा सके, ताकि वो फूड प्रोडक्शन अच्छे से करें और उसका डिलीवरी जो है लोगों तक पहुँच पाए। तो ये वैसे भी जो इंटरनेशनल फाइनेंस ग्रुप है ये प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करता है उनके प्रोग्रेस में इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। इट वॉज, अब देखिए ये जो है आईएफसी कब लॉन्च हुआ था? 1956 में, एज अ प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक का। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट है सेकेंड बिमस्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीट कहाँ पे हुआ है? इंडिया, इंडिया इसको होस्ट की है। सेकेंड बिमस्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पे? इंडिया में हुआ है, और बाकी तो कंट्रीज मैंने पहले ही बता रखे हैं, आप उधर से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है पीएम विजिट टू नेपाल, तो पीएम अभी नेपाल विजिट किए थे, कहाँ पर? लुम्बिनी में। वहाँ पे उन्होंने 2566 जो है बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था बुद्धा जयंती, बुद्धा जी का, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने जो है एक
हेरिटेज का इनॉग्रेशन भी किया था, इसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इन द लुम्बिनी में। और एक और उन्होंने जो एक सैटेलाइट कैंपस हैज़ ऑफर टू सेटअप अ सैटेलाइट कैंपस जिसका नाम रहेगा IIT इन रूपनदेही, वहाँ पे जो है एक सैटेलाइट कैंपस भी बनाया जाएगा। कहाँ पे? IIT रूपनदेही। नेक्स्ट है UN एनर्जी प्लान फॉर एक्शन टूवर्ड्स 2025। तो ये लॉन्च किसने किया है? यूनाइटेड नेशन ने। कलेक्टिव एक्शन बाय नियरली 30 UN एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7th इंडिया कैनेडा जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, ये कहाँ पर हुआ है? ओटावा कैनेडा में। बस इतना याद रखिएगा कि जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन किसके बीच हुआ है? इंडिया एंड कैनेडा। कहाँ पर हुआ है? कैनेडा में, ओटावा। फिर है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट, ये कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो इंडिया का कितना, इंडिया जो है 4th पोजीशन पे है इन गोल्ड रिसाइकलिंग में, और टॉप पे हमारा चाइना है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी, इसको लॉन्च किया है IIT मद्रास ने और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया अगर दे दिया जाएगा सेंटर ऑफ एनर्जी, किसने लॉन्च किया है? तो सेंटर ऑफ एनर्जी आपका IIT मद्रास एंड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने लॉन्च किया, और इसका सबमिट कहाँ पे हुआ था? चाइना में। स्पेन पासिस यूरोप फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पैड लीव लॉ, तो स्पेन जो है यूरोप का पहला ऐसा कंट्री है जिसने ये पेड मेडिकल लीव टू वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंस्ट्रुअल पेन, तो पेड लीव रहेगा ये, याद रखिएगा। तो कौन लॉन्च किया है? स्पेन ने। नेक्स्ट है EU फॉर्मली बैन गैस डीजल कार्स फ्रॉम 22। तो EU जो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है वो बोली है कि 2035 तक जो भी हमारे गैस और डीजल कार्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। फिर नियोम जो है मेगा सिटी बनाया जाएगा कहाँ पर? सऊदी में, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, कौन सी प्रोविंस में? ताबुक प्रोविंस। तो याद रखिएगा ये ताबुक प्रोविंस कहाँ है? सऊदी अरेबिया में, गल्फ ऑफ अकाबा के पास में ये बनाया जाएगा नियोम सिटी। अब गल्फ ऑफ अकाबा के इधर क्या है? रेड सी, सिनाई पेनिनसुला एंड जॉर्डन, इन सबको रेड गल्फ ऑफ अकाबा के आसपास में है ये। UAE होस्टेड फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रल मीटिंग, कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी में। तो फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रल मीटिंग को UAE ने होस्ट किया था। नेक्स्ट है साइक्लोन गैब्रियल, तो साइक्लोन गैब्रियल कहाँ आया था? न्यूजीलैंड में। गैब्रियल का फुल फॉर्म क्या है? वेलिंगटन। ठीक है, एंड अब किसको, एक तो न्यूजीलैंड जिसकी वजह से न्यूजीलैंड में क्या लग गया था? एमरजेंसी रूल। ठीक है, याद रखिएगा। एंड आफ्टर दैट और कौन से पार्ट? वनुतु एंड ऑस्ट्रेलिया, इनको भी अफेक्ट किया था। वनुतु का कैपिटल क्या है? पोर्ट विला, पोर्ट विला। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया जॉइंस एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। तो अभी जो एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट किसने लॉन्च किया है? USA ने एंड UAE ने, और इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। कब ये लॉन्च हुआ है? 2021 में। तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट किसका है? US का और UAE का, जिसको इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट है कैनेडा इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, तो ये कहाँ पे किया, डायलॉग कहाँ हुआ है? कैनेडा और इंडिया स्ट्रैटेजी डायलॉग दिल्ली में। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट सबमिट, ये कहाँ पे हुआ है? ये आपका दुबई UAE में। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट सबमिट जिसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। इसमें क्या बोला गया कि कैसे अपने पॉलिसीज को और गवर्नमेंट, फ्यूचर गवर्नमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट सबमिट कहाँ हुआ था? 2013 में हुआ था। अभी इस वाले का कहाँ हुआ है? दुबई में। नेक्स्ट है रियाम, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ नेदरलैंड ने इसे होस्ट किया है, फर्स्ट ग्लोबल सबमिट ऑन रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन। इसको किसने होस्ट किया है? नेदरलैंड ने। इवेंट और इस इवेंट को को होस्ट बाय कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, और टू प्लेस कहाँ पे हुआ है? वर्ल्ड फोरम इन द हेग,
हेग में से किया गया है, नेदरलैंड में जो है, ठीक है। ग्लोबल समिट ऑन रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेदरलैंड ने इसको होस्ट किया है, कहाँ पर, हेग में। नेक्स्ट है इंडिया डेनमार्क कोऑपरेशन, तो इंडिया डेनमार्क का एक आया पार्टनर्स फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में। अगर आ जाए पार्टनर फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस कॉन्फ्रेंस किसके बीच में हुआ है, तो इंडिया एंड डेनमार्क के बीच में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च, तो ये इंडिया और यूके के बीच में यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च किया गया। इसमें यह है कि इंडिया के स्टूडेंट और यूके के स्टूडेंट एक दूसरे की कंट्रीज में फॉर एकेडमिक फॉर जॉब्स की वजह से जो है मोबिलिटी हो सकती है, माइग्रेशन हो सकता है। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड G20 डिजिटल, इसको मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, वहां से देखिए। नेक्स्ट है ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर ग्रुप, बताई दिया कि IIT मद्रास और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने इसको लॉन्च किया है। फिर 7th एशियन इंडिया मिनिस्टर मीटिंग भी कवर हो चुका है, इस बार एशियन का हेड होस्ट कौन कर रहा है, इंडोनेशिया। लास्ट टाइम इसको किया था कंबोडिया ने। नेक्स्ट है जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव, ये किसके बीच का है, केन्या और साउथ कोरिया के बीच में है ये जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। तो याद रखिए इस किसके लिए लाया गया है, टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव बिटवीन केन्या एंड साउथ कोरिया। फिर है बैगविट मेक्स इट यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, तो बैगविट क्या है, एक स्टेपल फ्रेंच ब्रेड है जिसको यूनेस्को लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। फिर देखते हैं 77th सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली, तो ये कहाँ पे हुआ है, UN जनरल असेंबली 77th सेशन इसका न्यूयॉर्क में हुआ है, तो ये याद रखिएगा यूंगा का 77th समिट न्यूयॉर्क में हुआ है। थीम क्या था, अ वॉटरशेड मूवमेंट्स ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंज। नेक्स्ट देखते हैं इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशंस इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, तो इसे कौन ऑर्गेनाइज किया है, लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है, इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, कहाँ से, एट पिट्सबर्ग इन यूनाइटेड स्टेट। ओके, और इसको और कौन कौन इसमें शामिल है, ब्राज़ील कैनेडा EC एंड UK। ये लॉन्च हुआ था 2015 में ड्यूरिंग पेरिस एग्रीमेंट के टाइम पे। फिर USA रेटिफाइज किगाली अमेंडमेंट, किगाली किसके लिए है, ओजोन डिप्लेशन के लिए, ठीक है, मॉनिट्रल प्रोटोकॉल के अंडर इसको लाया गया था किगाली। ये इसमें है कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है उसको जो है बैन करना है, यूज उसका कम करना है, तो अभी US ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, अदर 136 कंट्रीज ऑलरेडी इसको ज्वाइन रेटिफाई कर चुके हैं, इंडिया ने भी इसको रेटिफाई कर दिया है। फिर देखते हैं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ये कहाँ पे हुआ है, ये मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ठीक है। और कौन ऑर्गेनाइज किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड द पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, तो मेन आप याद रखिए NPCI ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में। थीम क्या था, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्ल्ड ग्लोबल इंक्लूसिव एंड ग्रीन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन, तो इसे कौन लेकर आया, वर्ल्ड इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क में ये हुआ है वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन, कहाँ हुआ, डेनमार्क कोपेनहेगन में। नेक्स्ट है ऑपरेशन लंदन ब्रिज, तो ये जब अभी एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का जो फ्यूनरल था तो उसको दिया गया था नाम ऑपरेशन लंदन ब्रिज, और जहाँ पे उनकी फेवरेट जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी कासिल का, उसका नाम था ऑपरेशन यूनिकॉर्न। फिर नेक्स्ट देखेंगे स्पेशल एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीट, ये कहाँ पे हुआ, इंडिया में, इंडिया ने इसे होस्ट किया था स्पेशल एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीट, 30 साल जो इंडिया को और एशियन कंट्रीज को हो गए हैं 2022 में, उसको इन्होंने सेलिब्रेट किया था यहाँ पे। फिर है सिंगापुर सेंगरी ला डायलॉग, तो ये डायलॉग जो होता है डिफेंस सेक्टर में होता है, तो इसे अभी सिंगापुर में हुआ है आफ्टर 2 ईयर्स
किसने होस्ट किया था? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। फिर इंडिया और कतर के बीच में स्टार्टअप ब्रिज ये लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा स्टार्टअप ब्रिज किसके बीच में है, तो इंडिया एंड कतर के बीच में। फिर पार्टनरशिप इन द ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव, तो ये इनिशिएटिव किसका है? ये यूनाइटेड नेशन का है एंड अदर जो एलाइज है ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच का ये इनिशिएटिव है, पार्टनरशिप, पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक। क्यों ये लॉन्च किया गया है? ताकि जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं रीजन में, मतलब पैसिफिक रीजन में, उनको प्रोटेक्शन और कॉपरेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक, तो ये लॉन्च किया है यूएस एंड अदर एलाइड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड यूके। लोकसभा पासेस WMD अमेंडमेंट बिल। WMD मीन्स वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम, इसका बिल जो है पास हो गया। क्यों? टू एक्सपेंड द 2005 लॉ को एक्सपेंड करने के लिए। फिर इंडिया इलेक्टेड एज चेयर ऑफ द AAEA, तो अभी जो इसका फुल फॉर्म है AAEA का, एसोसिएशन ऑफ एशियन एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, जो कि इंडिया अब इसको चेयर करेगा कब से कब तक के लिए? 2022 से 2024 तक के लिए। अभी तक किसके पास था इसका हेडशिप? तो वो था फिलीपींस के पास, और ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? मनीला, फिलीपींस में। फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम ये कहाँ पे हुआ है? हेल्ड अंडर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम न्यूयॉर्क में मनाया गया। किसने ऑर्गेनाइज किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स बर्ड ये कौन लेकर आया है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। और ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कब फाउंड हुआ था? 1922 में। फिर महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, तो ये मेडागास्कर में जो है महात्मा गांधी के नाम पे एक ग्रीन ट्रायंगल वहां बनाया गया है। कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? अंतानन रिवो जो कि मेडागास्कर का कैपिटल है, वहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। किसके पार्ट? ये जो है आजादी का अमृत उत्सव वहां भी सेलिब्रेट हुआ था, तो उसी के पार्ट, उसी इनिशिएटिव के अंदर ये ग्रीन ट्रायंगल जो है मेडागास्कर में लॉन्च हुआ है, आफ्टर महात्मा गांधी के ऊपर ही बना हुआ है। फिर ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट ये कौन लेकर आया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट किसका है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रायसेना डायलॉग कवर किया था, दिल्ली में हुआ है, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये अप्रैल में सेलिब्रेट, अप्रैल में इसको मनाया गया है, ठीक है, बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। अभी रैंकिंग देख लेते हैं। फर्स्ट है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल का है एंड डेवलपमेंट। इंडिया की रैंक इसमें 123rd है, और टॉप रैंक पे नॉर्वे है। फिर ग्लोबल हंगर में जो कि लाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ वेल्थ हंगर लाइफ, इसका इंडिया की रैंक है 107। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स कवर ही किया था, इंडिया की रैंक है 132 और टॉप पे है स्विट्जरलैंड। फिर ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन रिपोर्ट, इसमें इंडिया है 7th नंबर पे, और अडॉप्शन ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है। पब्लिश कौन करता है? बाई हेज विथ क्रिप्टो रिसर्च। देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये लॉन्च करता है वाइपो, इंडिया की रैंक है 40th, और इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है बताइए कोई? और 47th, और अभी इसमें टॉप पे स्विट्जरलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 40th और टॉप पे स्विट्जरलैंड। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में जो कि नाइट फ्रैंक लेकर आता है, बेंगलुरु 14th पे है अमंग इंडियाज टॉप सिटीज में, और सिंगापुर टॉप पे है। ग्लोबल जेंडर कवर ही किया था, 135 है इंडिया की रैंक। फिर हैंसले भी कवर किया था 85। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में, ये कौन लेकर आता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसमें इंडिया की रैंक है 37 और टॉप पे डेनमार्क है, वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स। फिर ग्लोबल स्किल रिपोर्ट कॉर्सेरा लेकर आता है, इंडिया की रैंक 68 है और टॉप पे स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स कवर किया था। नेक्स्ट है ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये लेकर आता है येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इंडिया की रैंक कितनी है? 180, टॉप पे डेनमार्क है।
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसमें बेंगलुरु जो है 22nd रैंक पे है और सिलिकॉन वैली टॉप पे है। कौन लेकर आता है? पॉलिसी एडवाइजरी एंड रिसर्च फॉर्म स्टार्टअप जीनो। फिर फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलेटिक लिस्ट देख लेंगे। फोर्ब्स रिलीज करता है सबसे ज़्यादा कौन से एथलेटिक को सबसे ज़्यादा पेड पैसे मिलते हैं, तो वो हाईएस्ट पेड है लिनोल मेसी, देन लेब्रॉन जेम्स एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो थर्ड नंबर पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 150 है। कौन रिपोर्ट रिलीज करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया 150 पे है। फर्स्ट पे नॉर्वे है, सेकंड में डेनमार्क है एंड देन स्वीडन है। विद द इम्पैक्ट रैंकिंग में टाइम्स हायर एडुकेशन इसको रिलीज करता है, तो अमृत विश्वविद्या पीठम रैंक जो है इसका 41 रैंक है और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी टॉप पे है इम्पैक्ट रैंकिंग में। फिर क्रिप्टो करेंसी गेंस, ठीक है, इसको चैनलिसिस इसको रिलीज करता है। इंडिया की रैंक है 21 और टॉप पे है यूनाइटेड स्टेट। फिर फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज वर्ल्ड वाइड फोर्ब्स रिलीज करता है। टॉप पे है बैक्सायर हाथवे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, सेकेंड पे है। और अगर इंडिया में देखें टॉप पे तो रिलायंस है, ओवरऑल ग्लोबली देखें तो 54th रैंक है। और फिर 105th रैंक पे कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 6th, जो कि इंडियन आर्मी फोर्सेस की रैंक है 6th और यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स का टॉप पे है। फिर यूरोन रिचेस सेल्फ मेड वीमेन, यूरोन रिचेस इंस्टीट्यूट इसमें जो चाइना के 78 वुमेन है, यूनाइटेड स्टेट सेकेंड नंबर पे है, थर्ड पे जो है यूनाइटेड किंगडम है। फाल्गुनी नायर जो है 10th नंबर पे है इंडिया में। फिर राधा वेम्बू, किरण मजुमदार शॉ। फिर सिपरी का रिपोर्ट डिस्कस किया था, डेमोक्रेसी भी डिस्कस कर लिया था, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर भी सिपरी जो रिलीज करता है ये हमने डिस्कस किया था, वर्ल्ड हैप्पीनेस भी कवर किया था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी कौन लेकर आता है? आईक्यू एयर, इसमें जो भिवादी वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है, भिवादी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया का, फॉलोड बाई दिल्ली एंड देन दरभंगा। और वर्ल्ड का देखें तो लाहौर एंड देन होटन एंड थर्ड नंबर भिवादी, जो कि इंडिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट UNEP एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट, तो ये कौन रिलीज करता है? UNEP। इसमें जो है सबसे नॉइस पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है इंडिया में, तो मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल। और मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड तो ढाका है, फिर मुरादाबाद है एंड फिर उसके बाद है इस्लामाबाद। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हमने कवर कर लिया इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक 47th है, ओके, एंड देन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी कवर किया था एंड सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।